तो ये वीडियो है सिर्फ लड़कियों के लिए, और अगर आप लड़के भी हो और आपने ओपन कर दिया है तो देख लो भाई, कुछ चीज़ें आपको सीखने को ही मिल जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि एक लड़का एक लड़की में पसंद करता है। मतलब एक लड़का एज ए बॉय, हम क्या चाहते हैं एक लड़की से, कि एक लड़की किस तरह से हो जिसके साथ हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख सकें, जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी जीना देख सकें, कि यार सी इज़ द प्रेटीएस्ट, सी इज़ द गुड, सी इज़ द गर्ल जिसके साथ मुझे पूरी लाइफ जीनी है। तो कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो मुझे इम्प्रेस कर सके, वो क्या होगा, तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके देखिए, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल, यहां से आप कुछ सीखने को पा रहे हो, आपको यहां से लाइफ के लेसंस मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी दिख रही है इस पे, जाओ ना भाई फॉलो करो। और अगर आप मेरे से 1-to-1 सेशंस लेना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जाकर के सेशंस बुक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ जो एक लड़का आपकी बॉडी, आपके कलर्स के अलावा जो देखता है वो है आपका मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंट, कि क्या आप थोड़े मैच्योर इंसान हो, क्या आप रिलेशनशिप को लेकर के एक मैच्योरिटी की तरह हैंडल कर पाओगे, आप कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ को लेकर के, आपके विजन्स को लेकर के, आपकी थिंकिंग को लेकर के, आप अपनी बाउंड्रीज को लेकर के, आप ज़िंदगी में क्या चीज़ एक्सेप्ट करोगे क्या नहीं करोगे, क्या इन चीज़ों को लेकर के आप कॉन्फिडेंट हो, आप क्लियर हो। और साथ साथ मैच्योरिटी के साथ एक लड़की की जो ड्रामे होते हैं, एक लड़की के जो अदाएँ होती हैं, क्या वो चीज़ें मैच हो रही हैं। एक लड़का ये चाहता है कि यार मेरी जो बंदी है ना वो समझदार हो थोड़ी सी, कि मेरी बातों को समझ सके, अगर मैं कुछ प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ तो थोड़ा उसके अंदर समझ हो, कि वो मेरी बातों को समझ पाए, एक्सेप्ट कर पाए, और सेम टाइम पे सामने वाली इंसान कुछ ऐसी हो कि कुछ चाइल्डिश चीज़ें भी करने को रेडी हो और उस चीज़ में भी उसे मज़ा आ रहा हो। तो अगर ऐसी लड़की मिल रही है, हर एक बंदा चाहेगा कि यार मेरी ज़िंदगी में ऐसी बंदी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक लड़का हमेशा एक लड़की से यही चाहता है कि मैं जिस बंदी से प्यार करता हूँ ना, या मैं जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, जिसके साथ मैं शादी कर रहा हूँ, उस लड़की के अंदर ये होना चाहिए कि उसके अंदर स्नगलर वाली क्वालिटी हो। स्नगलर क्या होता है? ये होता है कि अगर मैं किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ या शादी करके हो चुका हूँ उस इंसान के साथ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, तो अगर मैं किसी और इंसान की तरफ जा रहा हूँ तो उसके अंदर कुछ क्रडल हो, उसके अंदर जेलेसी हो, कि यार वो फील करे कि नहीं नहीं यार ये गलत है, और उस चीज़ के लिए वो थोड़ी बहुत लड़े मुझसे, झगड़े कि तुमने इससे क्यों बात किया, इससे क्यों कर रहे हो, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें जब ये होती है ना, मतलब ये बहुत बेटर फील कराता है। और कई बार हम अपने रिश्तों में अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए, अपनी वाइफ से बात करते हुए, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे कि उसे थोड़ा सा चिढ़ो, थोड़ी सी उसके अंदर जेलिसी पैदा हो, थोड़ा सा वो जेलिस हो, थोड़ा सा लड़ाई करे, थोड़े से झगड़े करे, तो ये बट मतलब बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और हर एक बंदा ये चाहता है कि मेरी बंदी ऐसी हो। अगर तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है तुम्हारा बंदा किसी के साथ भी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो बोर हो जाएगा, यार ये इंसान को तो मेरी लाइफ को लेकर के सीरियसनेस ही नहीं है, ये इंसान तो मुझे लेकर के सीरियस ही नहीं है, इस इंसान को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हर एक बंदा चाहता है कि एक ऐसी लड़की हो जिसके अंदर जो है स्ट्रगलर वाली चीज़ें हों। दूसरी चीज़ जो हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी बंदी से, अपनी वाइफ से चाहता है, वो है इमोशनल सपोर्ट, केयर, लव। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर ही आपके लिए सारी चीज़ें करे, आपको भी उसके लिए जब उसे लाइफ में इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, जब उसे लाइफ में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है कि यार मैं बाहर से टूट रहा हूँ या बाहर से कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसे इमोशनली सपोर्ट कर पाओ, आप उसकी केयर कर पाओ, आप उसकी रिस्पेक्ट कर पाओ, और उसे जब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आपका बस ये बोल देना कि मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरे साथ हमेशा, कुछ भी हो रहा है आई एम विथ यू, आपका जस्ट ये बोल देना भी उस इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जब कोई बंदी ऐसी होती है ना, तो हम उस इंसान को लेकर के, उस बंदी को लेकर के पूरा लाइफ देख रहे होते हैं कि यार सी इज़ द पर्सन जिसको मैं खोज रहा था, या जिसके बारे में मैं सोच रहा था, या जिसको मैं पाना चाह रहा था, सी इज़ द वन। चौथी क्वालिटी जो एक लड़का है एक लड़की में देखता है, वो है बीइंग कंफर्टेबल। जब हम एक इंसान के साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता देख रहे होते हैं, या एक इंसान को लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं कि ये बंदी मेरे साथ लॉन्ग टर्म रहेगी, तो हम इस बात पे भी डिसाइड करते हैं कि क्या वो मेरे साथ होकर के कंफर्टेबल फील करती है, क्या वो मेरे साथ होकर के सिक्योर फील करती है, क्या वो मेरे साथ होकर के ऐसा फील करती है कि यार उसे कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है अब, मतलब वो जो है वो मेरे सामने प्रेजेंट कर दे रही है। और जिस लड़की के सामने मुझे कुछ बनने की ज़रूरत ना पड़े कि यार मैं जैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, गंदा दिखता हूँ, मैं नहा करके हूँ, या फिर मैं सुबह उठा हूँ, तो मुझे ऐसा ना फील हो कि यार ये इंसान देख लेगी तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी, या मुझे गलत लग जाएगा, या मुझे बुरा लग जाएगा, मुझे तो एकदम टेंचअप होकर के इस इंसान के सामने आना पड़ेगा। मतलब
एक कंफर्टेबल जिस इंसान के साथ हो जाता है ना, कि एक लड़की के साथ अगर इतने कंफर्टेबल है, हम जैसे भी हैं हमने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया चलेगा, कैसे भी हैं हम, अच्छे लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं, क्रीम पाउडर नहीं लगाया है, सब कुछ मतलब एकदम हम ऑथेंटिक जिस लड़की के सामने आ सकते हैं ना, उस इंसान को लेकर के हम एक लॉन्ग टर्म सोच रहे होते हैं कि यार मतलब जिसके साथ लॉन्ग टर्म रहना है उसके साथ फिर बनावट की कोई जगह नहीं है ना, क्योंकि उसके साथ तो तुम्हें जीवन जीनी है, लाइफ जीनी है, अप्स डाउन्स, अच्छा बुरा, लुक वाइज, मतलब हर एक चीज़ उस इंसान के साथ शेयर करनी है भाई। तो जिस इंसान के साथ हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं और जो हमारे साथ इतना कंफर्टेबल हो पाए, ऐसी बंदी हमें बहुत पसंद आती है। पांचवी चीज़ जो हर लड़का अपनी बंदी में ढूंढता है वो है लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। ये चीज़ लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि सामने वाली बंदी मेरे लिए लॉयल हो, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में रहते हुए 10 जगह पे मुंह ना मार रही हो। अगर वो मुंह मार रही है 10 जगह पे जा रही है, कोई बंदा उसे लेकर के लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकता है, वो सोचेगा ही नहीं उस इंसान को लेकर के। अगर उसे लग गया पता कि ये 10 जगह पे है ना, या 2-4 जगहों पे जा रही है, किसी और के साथ भी वो है, तो वो जस्ट एक यूज वाले सिनारियों में तो चल जाएगा कि ठीक है यार चल क्या करना है, तू कर रही है मैं भी करूँगा, तो उस सिनारियों में तो चल जाएगा। बट एक लॉन्ग टर्म वो कभी तुम्हें लेकर के सोच ही नहीं पाएगा। एक बंदे को चाहिए कि यार मेरी बंदी ऐसी हो जिस जो मतलब एक तरीके से एक लड़की एक लड़के के लिए प्राइड होती है कि यार वो सब कुछ है मेरी, मेरी रिस्पेक्ट, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरा गुरूर, सब कुछ वही है। तो मतलब हम चाहते हैं कि यार वो मेरे लिए लॉयल रहे और मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट हो और वो मेरे पे ट्रस्ट कर पाए और मैं उसके लिए लॉयल हो सकूं। और ये भी होता है कई बार लड़के अगर लॉयल नहीं भी है ना, या मतलब लड़के कुछ गलती भी कर रहे हैं तो भी वो यही चाहते हैं कि लड़की ऐसी हो ना जो चीट ना करे, मतलब वो किसी और के साथ ना हो, ऐसा हर एक लड़के की चाहत होती है। और अगर कोई बंदा तुम्हें इस टाइप का मिल रहा है जो तुम्हारे साथ लॉयल है, बेटर है, और तुम उसके साथ लॉयल रह जाओ ना, तुम चीट ना करो सामने वाले इंसान पे, और सामने वाले इंसान के अंदर थोड़ी भी मैच्योरिटी है ना, वो कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखोगे तो आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत चल सकते हैं। अगर इन चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दो, अपने अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ी सी चाइल्डिश चीज़ें, थोड़ा सा जेलसी, मतलब कहीं ना कहीं पूरी लाइफ हमारी एक मिक्सचर है। एंड मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा यार, नोबडी इज़ परफेक्ट एंड यू डोंट नीड टू फेक इट, बी व्हाट एवर यू आर एंड ट्राई टू मिक्स दीज थिंग्स, जिससे कि थोड़ा सा और चेरिश हो सके, आपकी पर्सनालिटी थोड़ा सा और बेटर आ सके। मतलब एकदम से फेक करने पे मत चल जाओगे, नहीं मुझे तो ऐसे बन के दिखाना है, क्योंकि जो बन के दिखाओगे ना आप, वो कुछ टाइम तक ही बन सकते हो, एक लॉन्ग टर्म में आप बन के नहीं दिखा सकते हो। तो बनने की कोशिश नहीं करनी है, बी योर सेल्फ, बी कम्फर्टेबल, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो अगर कोई ऐसा बंदा या ऐसी बंदी मिलते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दैट पर्सन फॉर ए लॉन्ग टर्म विजन, समझ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।